वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री का पार्ट फाइव। पार्ट फाइव में 34 से स्टार्ट करते हैं, 33 तक हो गया था। तो 34 क्या बोल रहा है? ज्योमेट्री में क्वेश्चन को पढ़ना जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कर, क्योंकि यहाँ पे आपको फिगर नहीं दिया रहता मैक्सिमम, तो ज्योमेट्री में जितने क्वेश्चन आते हैं एक ही एक आधी क्वेश्चन में दिया रहता है फिगर, मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया नहीं रहता फिगर, ठीक है। आपको खुद ड्रॉ करना पड़ता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि आप करते जाइए, एक साथ पूरे पढ़ भी लोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। तो थोड़ा जितना भी थोड़ा थोड़ा टुकड़े में पढ़िए और बनाते जाइए फिर, ठीक है। एक वृत्त पर ए बी सी 3 बिंदु है, ठीक है। वृत्त पहले बना लो, वृत्त बोल दिया, ठीक है। ए पर बढ़ी हुई स्पर्श रेखा बी सी को टी पे मिलती, ठीक है। ए यहाँ मान के चलो, तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दी जाए, तो बी सी से बढ़ी हुई ना, बी सी 2 बिंदु यहाँ से नहीं ले सकता ना, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचूंगा तो एक ही बिंदु होगा, तो हमको 2 बिंदु चाहिए बी और सी, तो यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। तो बी और सी को टी पे मिलती है, ठीक है। बी टी ए का मान 40 है, ये वाला 40 है। सी ए टी का मान 44 है, सी से ए को मिला दो, सी ए टी हो गया 44 डिग्री, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि बी सी द्वारा वृत्त के केंद्र पे क्या कौन सा कितना इसका कोण बनेगा, ठीक है। बी सी के द्वारा देखो वृत्त का केंद्र है ओ मान के चलो, तो यहाँ पे कितना इसका कोण बनाएगा, ये वाला कोण पूछ रहा है। तो देखो वृत्त और ये जीवा द्वारा कोण, ठीक है। बी सी द्वारा कोण मतलब बी सी क्या है जीवा, तो एक प्रॉपर्टी है आप जानते होगे, है ना, जीवा द्वारा वृत्त पे बनाएगा कोण। देखो जीवा द्वारा वृत्त के किसी परिधि में जितना कोण बनाता है वो सेंटर में उसका दुगना बनाता है। यहाँ पे अगर थीटा बना रहा है तो यहाँ पे उसका 2 थीटा बनाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए क्या चाहिए हमको, ये केंद्र पे जितना बनाएगा तो परिधि पे कितना बनाएगा, तो परिधि यहाँ है तो यहाँ पे बनाएगा परिधि, मतलब ये, ठीक है, परिधि। तो ये वाला कोण, अगर ये वाला कोण पता करते हो आप x मान के चलो, तो ये क्या हो जाएगा 2x। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको 2x फाइंड करना है, ठीक है। x पता कर लो 2x निकल जाएगा, तो x कैसे पता करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। देखो एक चीज, ये वाला त्रिभुज देखो, सी ए टी एक त्रिभुज देखो, ठीक है। ये 40 है 44 है, त्रिभुज का दो अंतःकोणों का योग सुदूर बाह्य कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। इन दोनों का योग कितना बराबर होगा, यहाँ पे ये बाह्य कोण है इसके बराबर होगा, 40 और 44 कितना हो जाएगा 84। तो ये वाला जो सी कोण होगा ना वो होगा 84, ठीक है। सी वाला कोण कितने का है, 84 का है, ठीक। अब क्या पता करेंगे, देखो अब एक और थ्योरम से बता रहा हूँ, एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बताया था मैंने, ठीक है, कि एक त्रिभुज है ये, सॉरी एक वृत्त के अंदर त्रिभुज बना दो, स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा अगर वृत्त के किसी भुजा के साथ जो कोण बना रहा है तो भुजा के सामने वाला जो कोण है उसके बराबर होगा। देखो देखो ये स्पर्श रेखा है, इसके साथ 44 डिग्री का कोण बन रहा है ये वाला भुजा का, तो इसके सामने वाली सामने वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा, मतलब 44 के बराबर ही सामने वाला एंगल, ठीक है। मैंने बी कोण अपना पता चल गया 44, अब बी पता चल गया और सी भी पता चल गया 84, तो ये कितना हो जाएगा x, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में इन दोनों को कटा दो मिला के, ठीक है। 84 और 44 कितना होगा, 128, ठीक है। ये होगा 128, तो 128 को 180 में घटा दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 52 डिग्री, ठीक है। तो 52 डिग्री क्या है, x है ये, ठीक है। x का वैल्यू मिल गया अपने को 52 डिग्री, तो 2x कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका, 2x कितना हो जाएगा 52 का, 104 डिग्री। तो 104 डिग्री हमारा आंसर है, ठीक। तो 34 का आंसर होगा 104 डिग्री इसका आंसर है। देखो ये इतना कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, ये सबसे पहला तो ये रॉन्ग दिया है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, 104 कहीं पे नहीं मिलेगा इसको, 52 इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये सभी ऑप्शन रॉन्ग है इसमें, ठीक है, सभी ऑप्शन रॉन्ग है इसमें, सही आंसर दिया ही नहीं। और सॉल्यूशन में आंसर ये दिया गया 104 डिग्री है,
ठीक है, मैं भी एक कंफ्यूज हो गया था, इसको बनाया मैं कंफ्यूज हो गया, फिर मैं देखा पीछे सॉल्यूशन में 104 डिग्री आंसर लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए सभी गलत है। ठीक, इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा है तो सॉल्यूशन देख लेना, मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा आपको। ठीक है, अब देखो 35 देखते हैं। पैंतीस में क्या बोल रहा है कि देखो, एक सौ त्रिभुज बना दो, पहले ए बी सी एक त्रिभुज बना लो, पी क्यू इसका मध्य बिंदु। ठीक है, पी क्यू क्या है, इसका मध्य बिंदु, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु पी क्यू। तो पी आर आर, देखो आर एक एक बिंदु है, ठीक है, पी क्यू पे आर एक बिंदु है, आर एक बिंदु है जो 1:2 में इसको विभक्त कर रहा है। ठीक है, 1:2 में, ठीक है, ये एक भाग, ये दो भाग। अब बोल रहा है कि पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, 2 सेंटीमीटर। तो बी सी की वैल्यू क्या होगी, बी सी की वैल्यू आप जानते हो, अगर पी क्यू, अगर ये क्या है, मिड पॉइंट का को मिलाता है, तो पी क्यू का क्या जस्ट है, डबल वाला, डबल होता है। ठीक है, ये जानते हो, पहले ही पढ़े हो, ये पहले पढ़ चुके हो आप, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु दोनों को मिलाने वाली रेखा ये। ठीक है, तो ये 1 है, तो ये 2 हो जाता है, यानी इसका डबल हो जाता है, बड़ा वाला। तो यहाँ पे देखो पी क्यू कितना है, अपने को पी आर पता है 2, पी आर की वैल्यू अगर 2 है, मतलब 1 की वैल्यू 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो टोटल पी क्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पी आर 2 है, तो आर क्यू कितना है, 4 है, तो टोटल क्या है, पी क्यू की वैल्यू कितनी, टोटल पी क्यू की वैल्यू टोटल है अपनी 6 हो गई। तो 6, तो ये अगर 6 है, मतलब ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 12, 6 दूनी 12, तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो 12 हमारा आंसर है, 35 का सी आंसर होगा। ठीक, 36 देखते हैं। थर्टी सिक्स क्या बोला जा रहा है, देखो त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र ओ है, त्रिभुज एबीसी परिकेंद्र बोला, मतलब एक वृत्त ही बना दो इसको, ओ है, ए बी सी है, ओ बी सी का मान 35 है, देखो ओ बी सी ये 35 है, ये वाला 35 डिग्री। तो बी ए सी का मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो। अच्छा, एक चीज़ जानते हो, परिकेंद्र के कंडीशन में एक वृत्त बनता है, तो ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, ओ केंद्र है, तो ये देखो यहाँ परिधि तक ये त्रिज्या, ये परिधि तक ये त्रिज्या, ये त्रिज्या दोनों क्या होते हैं, बराबर, त्रिज्या त्रिज्या बराबर है ना, तो ये 35 है, तो ये भी 35 होगा। ठीक है, ये भी 35 होगा। अब 35 35 70 हो गया, तो ये वाला कितना गुणा होगा, ये 110 होगा। ठीक है, ये 110 हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस कर लो त्रिभुज में, इस त्रिभुज में। ठीक है, तो 110 हो गया। अब ये 110 हो गया, अब ये कोण क्या जानते हो, जस्ट इसका आधा होता है। ठीक है, केंद्र वाला डबल होता है, ये आधा होता है उसका, तो 110 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो 55 डिग्री हमारा आंसर, ये हो गया 37 का, ये 36 का आंसर 55 ए आंसर होगा। ठीक है, 37 देखते हैं। 37 देखो त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र है आई, त्रिभुज ए बी सी है, उसका अंतः केंद्र है आई। ठीक, आई है, ए बी सी का आई अंतः केंद्र, बी आई सी का मान 135 डिग्री बोल रहा है, ये वाला 135 डिग्री है। अब बोल रहे हैं कि त्रिभुज क्या है, न्यून कोण सम कोण सम बाहु कौन सा त्रिभुज है, देख लेते हैं। देखो अंतः केंद्र की खासियत क्या होती है, ये जो होता है, ये अगर थीटा है, तो ये 90+θ/2 होता है, तो इसको 90+θ करके देखो, 90+ कितना हो रहा है, देखो 90+ ये 45 हो रहा है। ठीक है, 90+45, इसको ऐसे लिख सकते हो, 90+90/2। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आ गया, 90+θ/2 से कंपेयर कर दो इसको, 90+θ/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 मिल रहा है अपने को, थीटा की वैल्यू 90 मिल रही है, मतलब क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 90 है। तो ये अगर 90 है त्रिभुज में, है ना, ये 90 हो गया, तो त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, एक किसी त्रिभुज में एक कोण अगर 90 हो गया, तो एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये आंसर सी होगा इसका। ठीक है, 38
देखो किसी त्रिभुज एबीसी के दो माध्यिकाएं हैं, समकोण पे जी पे काटती है, ठीक है। ये माध्यिका मतलब इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मिला लो, ये एबीसी है, ये एडी, ये बीई, तो ये समकोण पे काटी है, ठीक है। बीई समकोण बनाते हुए जी पे काटती है, ठीक है, जी पे काटती है समकोण बनाते हुए, ठीक है। तो एडी का वैल्यू अगर 9, एडी का वैल्यू क्या है, 9 है, तो टोटल ये 9 है, ठीक है। बीई का वैल्यू कितना है, 6 है, बी का वैल्यू 6 है, ये पूरे का वैल्यू 6 है। देखो सबसे पहला तो माध्यिका का है 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1, ये 2:1, ठीक है, ये केंद्रक जो है डिवाइड करता है 2:1 में। तो बी डी की लंबाई पूछा है, बी डी की लंबाई देखो समकोण बनाते हुए मतलब ये जो है ना 90 डिग्री पे होगा, एक सेकेंड देखो ये 90 डिग्री यहाँ पे, सॉरी नहीं होना चाहिए, समकोण बनाते हुए काट रहा है, बोल रहा है यहाँ पे डाल नहीं रहा है समकोण, ठीक है। तो समकोण यहाँ पे होगा वो, ये हर जगह समकोण होगा, ये 90 बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा, ठीक है, समकोण बनाते हुए काट रहा है। अब देखो बोल क्या रहा है, वो बी डी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे को अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए, इसकी वैल्यू पता चल गया, तो हम पाइथागोरस लगा के 90 वाला से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो तोड़ना बस है उसको, ए डी की वैल्यू 9 दिया गया है, ठीक है। ए डी की वैल्यू आपको 9 दी गई है, और क्या है, बी ई की वैल्यू आपको 6 दी गई है, ठीक है। ए डी पूरे की वैल्यू 9 अगर है, ठीक है, 2:1 में तोड़ो 9 को, 9 को 2:1 में तोड़ो, तो क्या हो जाएगा, 6 और 3 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 3 कैसे कैसे तोड़े इसको, 2:1 है मैं कि नहीं, 3 1, इसको 2:1 में लेके देख लो, 2:1 है, 3 1 3, 3 2 6, 2:1 में है, मतलब 9 किस में तोड़े, 6 और 3 में। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 6, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 3। हमको इस पार्ट की ज़रूरत है, इस पार्ट को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब बोल रहा है बी की वैल्यू क्या है, 6 है, ये वाली वैल्यू 6 है, 6 को 2:1 में तोड़ो, तो मैं 4 और 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 2:1 है कि नहीं, 2 1 2, 2 2 4, 2:1 में तोड़ दिए, हाँ। तो 2 और 4 की वैल्यू, तो बड़ा वाला की वैल्यू 4, छोटा वाले की वैल्यू 2, तो बड़ा वाला वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारा, 4 है। तो इस त्रिभुज में आ जाओ, इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है 90 है, तो ये 90 है, सॉरी है ना, ये 90 है। तो देखो 1 4 है, 1 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये समकोण मतलब ये समकोण से सामने वाला कितना है, कर्ण है, कर्ण है जो 5। तो ट्रिपलेट जानते हो, ट्रिपलेट में क्या है, 3 4 का 5 होता है, ठीक है, समकोण 3 4 का 5 होता है। तो समकोण के सामने वाली भुजा मतलब कर्ण, कर्ण कितना होता है, 5, सबसे बड़ा 3 4 में, सबसे बड़ा 5, तो 5 इसकी वैल्यू होगी, बी डी की वैल्यू 5 आएगी, बी डी की वैल्यू 5, सी आएगा आंसर, ठीक है, 38। देखो कई लोग शिकायत करते हैं कि वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, अच्छा से नहीं दिख रहा है, ऐसा वैसा, ठीक है, मैं जो लिखता हूँ वो तो आप सही से दिखता होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो ये जो है क्वेश्चन वगैरह, ये आपको ये क्या है, एक्चुअल में छोटा छोटा लिखा रहता है, ठीक है, इसीलिए आपको लगता होगा ना, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको दिखता होगा, लेकिन आपका कैमरा की दूरी के हिसाब से उतना ही दिखता होगा ना, क्योंकि ये इतना छोटा छोटा लिखा रहता है, ठीक है। यूट्यूब में बाकी वीडियो अगर देखते होगे तो हम लोग क्या है कि क्वेश्चन सामने दिखाते नहीं हैं आप लोग को ऐसे, ठीक है, खुद का लिखा हुआ रहता है या कंप्यूटराइज जो भी रहता है, कंप्यूटराइज रहता है, और ये जो कैमरास लेते हैं तो ये थोड़ा छोटा रहता है, ठीक है। तो इसका एक प्रॉब्लम का सलूशन है, अगर इसमें प्रॉब्लम अगर होती है आपको देखने में कहीं, तो एक आप ना बुक लेके बैठे करो, इसका पार्ट 1 है इसका, ठीक, वॉल्यूम आप तो जानते हो कौन से पार्ट से हम बना रहे हैं, पार्ट 1 एडवांस में इसका पार्ट 1 है ज्योमेट्री। तो यहाँ बुक परचेस कर सकते हो, कॉस्टली नहीं है, 80-90 रुपये की आती है, बहुत सस्ती बुक है, तो ये परचेस कर सकते हो इसको ना, अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो एक सामने भी रखा करो बुक को, और वीडियो भी सामने, दोनों को, या तो खुद खुद पहले ट्राई किया करो क्वेश्चन को बनाने का, नहीं बनता है उसको मेरे से सीखा करो, अगर बनता है, अगर लॉन्ग कट आपको लगता है तो मेरे से सीखा करो उसको शॉर्टकट, ठीक है। अब देखते हैं आगे, 39 मान लीजिए, ये भी 2 बिंदु है, ए पी बी का मान कितना है, 90 डिग्री बोल रहा है,
देखो ए पी बी 90 डिग्री, मतलब एक कोण की बात कर दिया, ये 90 डिग्री, ए पी बी। तो देख वो बोल रहा है कि पी का, सॉरी ए पी है, ये पी का बिंदु पथ क्या है, ठीक है, पी का बिंदु पथ क्या है, रेखा ए बी पी को बिंदु पथ है क्या, नहीं है, स्वयं बिंदु पी है क्या, बिंदु पथ मतलब क्या बताता हूँ, ए बी व्यास वाले ए बी लंब समद्विभाजक करने हैं। देखो बिंदु पथ क्या होता है, बिंदु पथ क्या है, बिंदु द्वारा चला गया मार्ग, ठीक है, बिंदु है ये, बिंदु है, अगर बिंदु ऐसे चला गया तो बिंदु पथ, बिंदु ऐसे चला गया इसका बिंदु पथ, बिंदु अगर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम गया तो इसको बिंदु पथ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिंदु पथ, बिंदु ऐसे चला गया यहाँ से तो बिंदु पथ, ठीक है, बिंदु से मिलकर बना हुआ मार्ग, ठीक है, बिंदु बिंदु बिंदु, ठीक है, ये बिंदु बिंदु पूरा पॉइंट पॉइंट से पॉइंट का पूरा, ठीक है, पूरा पॉइंट से मिलके जो उसका बना हुआ पाथ जो है उसको बोलते हैं बिंदु पथ। तो देखो यहाँ पे 90 से क्या चीज़ पता चल रहा है, आप एक चीज़ नोटिस करना, मैंने एक बार बताया भी था, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण मतलब ये अगर जीवा है, सॉरी ये अगर व्यास है, अगर ये कहीं परिधि में कोई कोण बनाता है तो ये समकोण होता है, तो ये क्या है, व्यास होता है, तो इसके चारों ओर मैं एक वृत्त बनाता हूँ, ये क्या है, नौ अगर 90 बना रहा है पक्का ये व्यास है, व्यास है, ठीक है, ये वृत्त का व्यास है और ये 90 बना रहा है, तो मतलब एक चारों ओर एक खींच सकते हैं, यहाँ से चारों ओर खींच लिए, तो पी क्या है, तो पी का बिंदु पथ क्या हो गया, पूरे एक वृत्त हो गया, ठीक है, ये वृत्त पूरा बिंदु पथ पी का, ये पी बिंदु से ऐसे पूरे वृत्त खींचा गया है ना, ऐसे ये बिंदु पथ है, तो पी का बिंदु पथ क्या है, वृत्त है। तो सी देखो, सी ऑप्शन अच्छा लग रहा है, देखो ए बी के व्यास वाले वृत्त की परिधि, तो ए बी उसका व्यास है उस वृत्त का, उसकी परिधि ये है, तो सी आंसर ठीक है 39 के हिसाब से, 39 और 40 देखते हैं, देखो 40 एक फिगर है, फिगर में आपको फाइंड करना है डी किसके बराबर है, एक फिगर दिया है आपको, ठीक है, ए बी सी डी, ये 38 डिग्री है। अब देखो ये बोल रहा है कि ये भुजाएं आपस में बराबर है दोनों, ठीक, और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री डी पूछा जा रहा है, एकदम इजी है, देखो 38, देखो ये दो भुजा बराबर है, देखो भुजा अगर दो बराबर होती है ना तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है, ठीक है, ये अगर दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर है, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, ठीक है, वैसे ही ये दोनों भुजा बराबर, ये 38 तो क्या हो जाएगा, ये भी 38 हो जाएगा, ये भी 38 हो गया, ठीक है, अब ये दोनों भुजा बराबर है, इन दोनों भुजाओं, ये दोनों भुज, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, ये वाला और ये वाला दोनों कोण बराबर होगा। अब देखो एक और चीज़ के यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 38 38 है, ठीक है, इसका बाह्य कोण क्या है, इस त्रिभुज ए बी सी का बाह्य कोण क्या हो गया, ये वाला, ये बाह्य कोण है, मतलब इन दोनों के कोण के योग के बराबर, ये 38 38 क्या हो जाए, 76, तो 76 क्या हो जाएगा, ये 76 ये है, तो ये दोनों कोण समान ही, इनके हिसाब से ये दोनों कोण समान बताया था, ये 76 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 76। अब डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में 76 दूनी घटा दो, 76 दूनी कितना होगा, 70 दूनी 140, 6 दूनी 112, 152, तो 180 में घटा दो, 180 में 152 घटा दो, कितना हो जाएगा, 28 डिग्री, तो 28 डिग्री हमारा आंसर होगा, 28 डिग्री ये बी आंसर होगा 40 का, 40 देख लेते हैं, 41 देखते हैं, और आज के लिए लेक्चर समाप्त करते हैं क्वेश्चन करके, 41 देखो एक चित्र बना लेते हैं, जैसे चित्र में दिया गया है, ये पी है, ये एल है, एम है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक है, तो देखो ये इसके समांतर है, ऐसा बांट रहा है कि एल एम आर क्यू का क्षेत्रफल जो है पी एल एम के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो पी एल और पी क्यू का कितने के बराबर है, बोल रहे हैं देखो वो पूछ रहा है पी एल और पी क्यू
पी क्यू का रेशियो, पी एल और पी क्यू का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। अब दिया क्या है देखो, ये जो चतुर्भुज है ना एल एम आर क्यू, ये जो है त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज है पी एल एम का दुगुना है। अगर पी एल एम एक है तो ये दो है, बोल रहे हैं दुगुना है। तो देखो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, दो और एक तीन, तो टोटल बड़ा वाला जो पी आर क्यू है त्रिभुज वो तीन हो जाएगा। अब सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से हम देखते हैं, सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, सिमिलैरिटी से देखते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी मैंने पहले ही बताया था, देखो एरिया जो है कोई भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का एरिया आधा आधार गुणा ऊंचाई, आधा आधार, ठीक है, आधार मान के चलो बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो मान के ये क्या है भुजा, ये भी भुजा है ना, ठीक है। ये क्या है साइड है, कोई भी साइड, ये भी क्या कोई भी एक साइड है। तो एरिया जो है, और ये क्या कांस्टेंट है, ठीक है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटा दो, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, साइड और साइड, तो साइड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। तो एरिया जो होती है साइड के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो एरिया का अगर रेशियो बनेगा ना, तो साइड स्क्वायर के रेशियो मतलब एस वन का रेशियो और एस टू का रेशियो, ठीक है। दो दो त्रिभुज में एरिया का रेशियो बनेगा एस वन का रेशियो एस टू का रेशियो, या साइड का रेशियो चाहिए तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। साइड का रेशियो लोगे तो अंडर रूट में एरिया का रेशियो बनेगा, ठीक है। तो सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो दो त्रिभुज में सिमिलैरिटी देखेंगे यहाँ पे, पी एल एम और पी आर क्यू में सिमिलैरिटी देखते हैं। पी एल एम सिमिलर है किसके, पी आर क्यू के। अब कैसे सिमिलर है बार बार नहीं बताऊंगा, मैं एक बार बता चुका हूँ। इस टाइप का फिगर आता है तो सिमिलर होता है, ये अगर दोनों पैरेलल है तो डायरेक्ट सिमिलर होता है, ठीक। अब देखो साइड आपको क्या है, पी एल और पी क्यू मतलब छोटा त्रिभुज और स्मॉल ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल में देखते हैं, स्मॉल और बिग ट्रायंगल में देखते हैं। देखो स्मॉल ट्रायंगल में पी एल और पी क्यू पूछा, ठीक है। पी एल और अनुपात पी क्यू, स्मॉल का पी एल है, देखो पी एल छोटा वाला, ये बड़ा ट्रायंगल का पी क्यू, ठीक है। वो भुजा एरिया का कैसा रहेगा, अंडर रूट स्क्वायर, अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। पी एल का वैल्यू कितना है, पी एल के हिसाब से तो पहली छोटी वाली जो त्रिभुज है उसकी एरिया कितनी है, एक। बड़ी वाली त्रिभुज है पी आर क्यू, उसका एरिया कितना है, देखो एक और दो तीन, तो ये तीन हो जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक बटा रूट थ्री, तो ये एक बटा रूट थ्री उसका वैल्यू आ जाएगा। ये बी आंसर होगा इसका, 41 का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी के क्वेश्चन आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आप मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर चैनल पसंद आता है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।